अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब क्या होगा कि एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान खुर्रम हुसैन हाजिर खिदमत है। हमारे शो में बुनियादी तौर पर जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाता है। हम कभी ऐसे मौजूदात को भी डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के हवाले से जो कि इतने अहम होते हैं कि किसी ना किसी सूरत जियो पॉलिटिक्स पे असर होते हैं, जैसे कराची के मसाइल। आज के शो में हमारा मौजू बहस एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, लेकिन कराची उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा और पाकिस्तान इन जनरल। हमारा है समुद्री राहदारियों पे होने वाली सियासत और मिलिट्री तसल्लुत की जंग का शतरंज का खेल शुरू हो चुका है, और ये शतरंज का खेल चाइना और अमेरिका के दरमियान साउथ चाइना सी से शुरू होता है। तो अगर आप मशरक से मगरब की तरफ जाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख लें, या स्ट्रेट ऑफ मलाका जो कि मलेशिया इंडोनेशिया के दरमियान है, कराची का गवादर पोर्ट हो, बाबुल मंदाल हो, और जैसे कि यूएई और ईरान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, और उससे आगे अगर आप चले जाएं स्विस कनाल को क्रॉस करके, तो अब ये एक नया गेम टर्की एक तरफ और यूनान और मिस्र एक तरफ होकर एक नया गेम खेल रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक उस 1923 के एग्रीमेंट के 100 साल मुकम्मल होने के साथ साथ भी है, जो कि टर्की और खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद मगरबी कुव्वतों के दरमियान हुआ था, जिसके तहत बॉस्फोरस का जो एक बहुत ही अहम तजारती और समुद्री रास्ता है उसको इंटरनेशनल वाटरवे डिक्लेयर करके सबके लिए फ्री कर दिया गया था, जिसका सबसे ज्यादा फायदा यूरोप और रशिया को हुआ था। अब इन वाटरवेज पे आप एक नई जंग देखेंगे जिसमें क्वाड की सूरत में ईस्ट में इंडिया, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक कुव्वत बनाई है जो कि चाइना को चैलेंज कर रही है, और अरबियन सी में पाकिस्तान और चाइना का आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस नजर आ रहा है, और चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है उसकी बहरी कुव्वत को बढ़ाने में रोज बरोज, और आपने रिसेंटली भी एक नेवल फ्रिगेट को की खबर सुनी होगी जो कि पाकिस्तान ने अपनी बहरिया में शामिल की। उसका दूसरा पहलू एक और है कि टर्की और इजिप्ट के दरमियान क्या हो रहा है, और ये कैसा उलझी हुई सूरत हाल है जिसके हमारे साथ सुलझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। जमील अहमद खान साहब, ये क्या बिसात बिछ गई है साउथ चाइना सी से लेकर अब मेडिटेरेनियन तक, और इसमें कौन से मुहरकात हैं, कौन से प्लेयर हैं, इसमें पाकिस्तान की अहमियत क्यों बढ़ गई है सी पैक और पाकिस्तान की, और ये इतनी गर्मा गर्मी अचानक क्यों स्टार्ट हो गई है इतने बड़े खत्ते में? मतलब ये कोई छोटा खत्ता तो नहीं है साउथ चाइना सी से ले आप चलें तो कितने कई मुल्क, 10-20 मुल्क आते हैं, उसके बाद आप पहुंचते हैं मेडिटेरेनियन। तो ये पूरा गर्मा गर्मी एशिया के समुद्रों में और यूरोप तक, ऐसा क्यों? इस वक्त पूरी दुनिया में जो है मफादात की जंग चल रही है ना। पहले भी जब कोल्ड वॉर शुरू थी तो रशिया और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वॉर चलती रही। अगर दोनों ममालिक न्यूक्लियर ममालिक ना होते तो एक दूसरे को शिकस्त देके और वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाते, लेकिन जंग इसलिए नहीं लड़ सकते थे कि दोनों न्यूक्लियर पावर थे और वो नहीं चाहते थे कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के तहत दोनों मुल्क तबाह हो जाएं, तो वो कोल्ड वॉर करते रहे और हमारे सर पर थोप के अफगानिस्तान के जरिए यूएसएसआर को उन्होंने मनदम कर दिया। तो अब भी यही सूरत हाल है कि ये सिर्फ मफादात की जंग है। चाइना उभर रहा है, 2010 से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, 2012 से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है, और उसकी जो इस वक्त ट्रेड है वो तकरीबन 18-19 ट्रिलियन डॉलर जो दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड उसकी है। तो जब वो इतना ज्यादा उभर रहा है तो दूसरी कुव्वत यानी कि अमेरिका, जिसका कि पूरा नेटवर्क है पूरी दुनिया में फाइनेंशियल निजाम को भी कंट्रोल करने का और इकोनॉमी के लिहाज से भी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ रहा है चाइना के सामने। तो जब भी ऐसी सूरत हाल हो, पहले भी देखें जब जमाने कदीम में भी जब कश्तियां गुजरती थी, तिजारत होती थी, जो मुल्क ताकतवर होता था वो अपनी रसदगाहों को
अपने हिसाब से डिक्टेट कराता था उनसे, उसकी राहदारी के पैसे लेता था या ट्रेड पर उस हिसाब से अपना मुनाफा लेता था, या मना करता था कि क्योंकि ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तुम इस इलाके में मत आओ। तो अब रहा सवाल कि दुनिया थोड़ी सी तरक्की कर चुकी है, लिहाजा अब दुनिया के इंटरनेशनल कवायद जवाबत ताकत का बैलेंस जरा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इस लिहाज से तो उसका मैकेनिज्म उसका अंदाज मुख्तलिफ हो गया है। अब आ जाते हैं फौरी तौर पर जी, तो नजर ये आता है बुनियादी तौर पे कि जो के चोक होल्स इन सारे वाटरवेज में या इंटरनेशनल शिपिंग राउट्स में, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, बाबुल मंदाल में हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो, या फिर स्विस कैनाल पे, यहाँ पे पॉलिटिक्स मौजूद है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दबूती पे आप देखें कि कितनी सारी सारे मुल्कों की नेवल बेसिस बनी हुई है, तो उसको अमेरिका किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसको चाइना किस तरह काउंटर कर रहा है, और इसमें दुनिया के कौन से ममालिक हैं जो कि किसके साथ खड़े हैं। अब इसमें क्योंकि मुझे एक एक डेढ़ मिनट के लिए हर चोकिंग पॉइंट को भी समझाना होगा, लेकिन उससे पहले आपने अमेरिका की बात की है। अमेरिका ने चाइना के खिलाफ एक अलायंस बनाया है जो इस खत्ते में इंडियन ओशन में, उसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ अलायंस, यानी एक उसने अलायंस का एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें कि फिलीपीन है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरी साइड पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल चाइना ने बनाई है जिसमें कि गवादर है, अब ईरान भी शामिल हो गया उसमें, और उसके साथ गवादर के साथ यानी पाकिस्तान के साथ उसमें म्यांमार है, उसमें श्रीलंका है, उसमें बांग्लादेश है, तो इसी तरीके से वो जाके साउथ चाइना सी तक निकल जाता है। ये तो एक सफबंदी है। क्यों सफबंदी है? ये ताकत का मुजाहरा क्यों है दोनों साइड पर कि ये जो रसदगाहें हैं अगर एक दूसरे की बात ना मानी जाए और एक दूसरे के इन्फ्लुएंस पर हावी होने की कोशिश की जाए तो इन चोकिंग पॉइंट्स के जरिए उनकी रसदगाहें बंद कर दी जाएं, जब रसदगाहें बंद कर दी जाएं तो उनकी गर्दन पर पैर आ जाएगा, जिस तरह जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन पे पैर आ गया था, यानी कि उनका सांस घुटना शुरू हो जाएगा, यानी उनको चाइना को तेल नहीं मिलेगा, चाइना की रसदगाहें बंद होंगी और चाइना का माल बाहर नहीं जा सकेगा, इसी तरह बाकी ममालिक जापान भी। तो वो ये रसदगाहों की अहमियत ये हो गई। आप अंदाजा करें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है दुनिया का 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इधर से जाता है, और इसको अगर और इसकी टोटल जो एक जगह सबसे नैरोएस्ट पार्ट इसका है वो 21 नॉटिकल माइल है। इसी तरीके से बाबुल मंदाल जो कि गल्फ ऑफ अदन यानी अमन यमन के सामने और जबूती के दरमियान एक नैरो पैसेज आता है बाबुल मंदाब का, और वो है 20 नॉटिकल माइल का छोटा सा नैरो पैसेज, उसी से फिर गुजर के नैरो सुएज में जाते हैं रेड सी के जरिए, और उसी के जरिए फिर मेडिटेरेनियन में जाते हैं। ये रास्ता सबसे जो है कम फासले का रास्ता है जहां से दुनिया के यानी ईस्ट से वेस्ट को मिलाता है तमाम गुड्स एंड सर्विसेज प्लस ऑयल एंड एनर्जी। अब आ जाते हैं साउथ चाइना सी स्टेट ऑफ मलाका। सबसे अहमियत ये इसकी है, सबसे ज्यादा अहमियत इसकी इसलिए है कि ये 550 नॉटिकल माइल का एक कॉरिडोर है जिसमें सबसे तंग जगह एक आती है जो कि इंडोनेशिया और उसके मलेशिया के दरमियान एक सबसे तंग जगह आती है जो कि सिर्फ 1.7 नॉटिकल माइल है। तो ये कहलाते हैं चोकिंग पॉइंट, और इन जो आपको क्यों मैंने बताया स्ट्रिंग ऑफ लाइंस और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वहां पहरी बेड़े हैं, वहां कोशिश की जा रही है कि अपनी कुव्वत को बढ़ाया जा सके कि अगर एक ताकत दूसरी ताकत की रसदगाहों को रोकने की कोशिश की जाए करे तो दूसरी ताकत अपनी ताकत दिखला के उस रास्ते को खुला रखे। तो ये तो हो गया। अब इसको फौरी तौर पे मैं मिला देता हूं पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ। पाकिस्तान एक सेगमेंट है सीपैक, सीपैक एक बहुत बड़े मंसूबे का एक सेगमेंट है BRI बेल्ट एंड रोड जिसको ओबोर भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, जिसमें 125 ममालिक दुनिया के शामिल हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है, इसमें तकरीबन चाइना $1 ट्रिलियन खर्च कर चुका है, उसके पास इसके $4 ट्रिलियन का बजट उसने रखा हुआ है। इस वक्त अफ्रीका में चाइना रशिया अपने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि किस जमाने में चाइना इंडिया की चपकलिश, चाइना और रशिया की चपकलिश रहती थी, अब रशिया ने अपना सिर्फ रखा हुआ है मिनरल्स का अफ्रीका में, और मुख्तलिफ ममालिक में सिर्फ चाइना ने सिर्फ अपनी एनर्जी का रखा हुआ है। तो जहां चाइना का इंटरेस्ट है वहां रशिया मुदाखलत नहीं कर रहा है, चाहे वो साउथ सूडान हो या जहां या लीबिया हो या कोई और मुल्क हो अफ्रीका का या इस पूरे खिते में।
आप उसकी सीरिया की मिसाल ले लें, आप उसके इराक की मिसाल ले लें, आप बाकी जब, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में रशिया और चाइना की एक बहुत बड़ी कुव्वत शामिल हो गई है, और इसको फौरी तौर पे मैं लिंक कर दूं, इस कुव्वत की वजह से स्पेस को में इनकी ताकत बढ़ गई है, खिला में रशिया चाइना की ताकत बढ़ गई है, जिसको कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, और वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस ही अगली जंग का फैसला करेगी। इस वक्त अमेरिका भी स्पेस में बड़ी अपनी कुव्वत रखता है, यानी खिला में अपनी कुव्वत रखता है, और अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है, लेकिन स्पेस की वजह से तकरीबन बराबरी के तौर पर आ गए हैं। बाकी साजो सामान के मामले में स्टेथ का जो सामान, यानी कि जो बगैर डिटेक्ट किए हुए सबमरीन हैं, जो जहाज हैं, वो चाइना ने ऐसे बना लिए हैं कि बहुत सारे मामलों में वो बैलेंस को खराब कर रहे हैं, जिसकी कि अमेरिका को फिक्र है, और अमेरिका के एक एम्बेसडर ने, जो कि नेटो का एम्बेसडर है, उसने इस पे बयान दिया जब लद्दाख में मामला हुआ, इसके स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया के साथ, तो उसने कहा कि ये चाइना और रशिया मिलके स्पेस में इतना अपने आप को वेपनाइज कर रहे हैं ताकि अमेरिका अपने एलाइज की इस खत्ते में मदद ना कर सके, ये बयान मौजूद है। तो मेरा कहने चाइना और रशिया अगर वेपनाइज कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इक्तदार में आए तो उनके वन ऑफ द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो उन्होंने जिसको साइन किया, उन्होंने स्पेस फोर्स बनाई, यानी कि आपके पास अमेरिका के पास जो मौजूदा फोर्सेज हैं, आर्मी, मरीन्स जो कि नेवी का हिस्सा है, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, उसमें एक और का इजाफा हुआ, तो बाकायदा एक और डायमेंशन ऑफ फोर्स बनाई गई जिसको स्पेस फोर्स का अमरीका में यूएस स्पेस फोर्स बनाई गई। किसी मुल्क ने आज तक यूएस स्पेस फोर्स बनाने का ऐलान नहीं किया, स्पेस फोर्स बनाने का ऐलान नहीं किया, एयरफोर्स सबके पास है, आर्मी है, नेवी है, लेकिन स्पेस फोर्स अमेरिका ने पहली बार बनाई। तो इसकी वेपनाइजेशन तो अमेरिका ने स्टार्ट कर दी थी, अगर चाइना रशिया तो सिर्फ इनकाउंटर ही कर रहे हैं उसको। जी हाँ, उसकी खैदोखाल जो है उसमें, उस स्पेस फोर्स में भी, वो सारे का सारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए और जो साइबर वार के जरिए ही ये सारा मामला हो रहा है। तो चाइना ने और रशिया ने काफी मुकाबलतन काफी बैलेंस अख्तियार कर लिया है, कुछ मामलों में वो आगे चले गए हैं, और यही फिक्र जो मैंने आपको एम्बेसडर, अमेरिका के एम्बेसडर जो नेटो में है, जिसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसके बयान के हवाले से मैंने आपको एक ऑथेंटिकेटेड सी एक आर्गुमेंट दिया, ताकि अंदाजा हो सके कि उनको फिक्र है अमेरिका को। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका ने पहल की, लेकिन बहुत तेजी से ये दो ममालिक जो रशिया और चाइना है वो भी कर रहे हैं। तो इसको तो खैर एक बात रही, लेकिन जो ग्राउंड फोर्सेस जिस तेजी से चाइना बढ़ा रहा है, और रशिया की जब उसमें आके वो मिक्स बन जाता है, रशिया चाइना जब मिलिट्री एक्सरसाइज साथ करते हैं और अमेरिकन उसके जजीरों के नजदीक करते हैं जाके, तो अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि हमारी कुव्वत भी अब इतनी हो गई है कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अब देखा ये जाए तो ये जो ममालिक इस दरमियान में इन दोनों ब्लॉक्स के साथ जो अलाइन हो गए हैं, हम तो अभी तक दावा करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत कि हम तमाम ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात रखेंगे, और होना भी ऐसा चाहिए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही बात की थी। लेकिन जो बदलते हुए ये हालात हैं, तगयुरात हैं, जो डायनामिक्स हैं इस पूरे खत्ते के, वो हमें खुद ब खुद एक ड्रिफ्ट करते हुए, ये सारी बात तो हमें समझ में आ गई कि अमरीका क्वाड के तहत उसको स्ट्रेट ऑफ मलाकास तक कंट्रोल करना चाह रहा है, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस पे 20% तेल दुनिया का गुजरता है, गर्दन पे पैर रखना चाहता है चाइना की, ईरान और अमेरिका की लड़ाई, और ईरान अक्सर धमकी भी देता रहता है कि हम उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर दुबूती पे सब मौजूद हैं ताकि वो बाबुल मंदाल की जो स्ट्रेट है उसको अपना, चाहे वो अमरीका मौजूद है वहां पे, फ्रांस, रशिया, चाइना, सबने अपनी बेसिस बनाई हुई है, और जिबूती एक छोटा सा मुल्क है, उसकी सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स यही है, चाइना ने सबसे बड़ा बेस बना लिया है वहाँ, सबसे बड़ा तकरीबन 15-16 हज़ार अफराद, वो जिबूती ने कहा सबसे, वो वहीं से पैसे, उनकी रेवेन्यू लीज के पैसों से, जो मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस दी हैं दूसरे मुल्कों को, उससे ही वो चलता है मुल्क। उससे आगे अगर आप निकले तो इस कैनाल को क्रॉस करके तो हम पहुंचते हैं मेडिटेरेनियन में, तो मेडिटेरेनियन में एक नई बिसात बिछी हुई नजर आती है। ये बिसात क्या है? ग्रीस और टर्की के दरमियान तो कई अशरों पुराना या सदियों पुराना पुरानी लड़ाई है, इसमें इजिप्ट भी शामिल हो गया है और लीबिया पे कंट्रोल भी कुछ शामिल है, तो ये कुछ एक ऐसा नया नई गुत्थी जमी हुई है जिसके पीछे अवामिल वही हैं, रशिया और चाइना पीछे हैं और सामने ये तीन ममालिक
एक दूसरे के मफादात, अपने मफादात के डिफेंस को और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में पहली बार यूनान और मिस्र के दरमियान एक अनसाइंड पैक्ट भी हुआ है कि वो टर्की के जो मकासद हैं उसको रोकने के लिए एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। तो ये क्या मसला है उसमें 1923 की बॉस्पोरस एग्रीमेंट का जो 100 साल पूरे हो रहे हैं उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद टर्की को मजीद वाटर, अपने जो वाटर वेज इंटरनेशनल डिक्लेयर कर दिए गए थे उसके तहत उसका कंट्रोल वापस मिल जाएगा, इससे क्या खतरात लाहक हैं, लिबिया में ऐसा क्यों हो, टर्की क्यों इंटरफेयर कर रहा है इतना, जिससे इजिप्ट को भी खतरा हो रहा है, तो यहाँ इस सियासत का क्या रुख इस तरफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में नया जन्म ले रहा है? बात यह है कि इन्फ्लुएंस बढ़ाने वाली बात है ना, पहली दफा ये हुआ है कि रशिया का बहरी बेड़ा तकरीबन लास्ट कोई 25-30 सालों में पहली मरतबा लबनान के बंदरगाह पर जाके लंगर अंदाज हुआ, जब सीरिया पर ज्यादा इन्फ्लुएंस रशिया का बढ़ा ईरान की मदद से, तो पहली बार एक एक्सेस जो है पूरे खित्ते से ईरान से लेके लेबनान तक बाई लैंड एक एक्सेस भी उनको मिल गया, यानी कि एक पूरी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे इलाके जो है उनके फ्रेंडली टेरिटरी में आ गए, यानी कि उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, यानी कि मेडिटेरेनियन सी तक आ गए। दूसरी साइड पर आप लीबिया की बात कर रहे हैं, अच्छा, और आप उसकी यूनान की बात कर रहे हैं। यूनान के कुछ जजीरे, ये एक ट्रीटी हुई थी 100 साल पहले, 24 जुलाई 1923 में एक ट्रीटी हुई थी, तो 24 जुलाई और वो खत्म हो रही है, 100 साल उसके पूरे हो रहे हैं 24 जुलाई 1923 में, उसकी तैयारी पूरी टर्की में हो रही है। उस ट्रीटी को कहते हैं लोजानी ट्रीटी, जो कि स्विट्जरलैंड में साइन हुई थी जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और उसके उससे जो एक स्टेट टर्की के की को एक्सेप्ट किया, जो सिग्नेटरी उस पर है वो बर्तानिया है, फ्रांस है, इटली है, जापान है और ग्रीस है, उसमें रोमानिया है और उसमें है युगोस्लाविया है और शायद एक और कंट्री है। तो ये इन्होंने साइन किया और इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने टर्की, जो मांदा टर्की था, उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद यह है कि टर्की को फिर एक कुछ पाबंदियां, कुछ कदगन आयत की गई कि ना वो एक्स ऑयल, हाँ, वहां यूनान से कुछ जो जजीरे थे टर्की के वो लेके यूनान को दे दिए गए, तो वो जजीरे बड़े अहमियत के मालिक है, उसमें ऑयल है, गैस है उसमें, और टर्की की यही कोशिश है कि उन एक आध जजीरों पर दोबारा अपना तसल्लुत जमाया है टर्की ने, और टर्की चाहता है कि 2023 को जब ये खत्म हो मुआहदा, तो उसके लिहाज से तो अगर टर्की में इतनी ताकत हो तो खिलाफत उस्मानिया को दोबारा बहाल कर ले, लेकिन क्योंकि वो उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ भी आ जाते हैं और इतनी ताकत भी नहीं है कि तमाम वो 45 जो लोगों की आवाम भी उसके साथ नहीं है, बहुत सारी आवाम तो सेकुलर है, तो दे डोंट बिलीव इन दोस रूट्स इवन। जी हाँ, वो अतातुर्क के जमाने से सिलसिला ये चला, तो उसमें जाहिर है डिवीजन उसमें है, लेकिन उसने अपना विजन दे दिया है, अर्दोगान ने अपना विजन दे दिया है 2023 के बाद वाला, और उस विजन में उसने दिया हुआ है 2053 का विजन और 2071 का विजन। जो 53 का विजन है वो जा रहा है अपना विक्ट्री ऑफ इस्तांबुल को सेलिब्रेट करने के लिए, और उसकी बड़ी तैयारियां शुरू की जाएंगी उस वक्त तक, और 2071 में 1000 साल जो है विक्ट्री ऑफ सल्जक टर्क्स उसकी उसको करने के लिए। तो अर्दोगान कहता है कि मैं अपनी खोई हुई साख और ग्लोरी को वापस लेके आऊंगा और वो अपने प्लान को अनवील करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्की की अलाइनमेंट अब बजाय नेटो के अलाइनमेंट ऑटो में, मुझे नजर नहीं आ रहा कि टर्की नेटो के साथ ज्यादा दिन चल सकेगा। टर्की और नेटो पे एक प्रोग्राम भी किया था अपने शुरू के प्रोग्रामों में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने मेडिटेरेनियन के हवाले से बात की, आपने इजिप्ट के हवाले से बात की, आपने लीबिया के हवाले से बात की, तो लीबिया में अभी टर्की जो है उसने पोजिशन इसीलिए ली हुई है कि जो जजीरे वो है और जो मेडिटेरेनियन सी में
जो इस वक्त मादनियात और जो गैस है उस पे अपनी तसल्लुत उसमें से एक्सप्लोरेशन कुछ कर सके। 2023 के बाद उसको ये अख्तियार हासिल होगा और उसने अपने समुद्री हदूद जो है इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं, और इकोनॉमिक जोन तकरीबन 200 नॉटिकल किलोमीटर तक होती है, माइल तक होती है, तो उसको शेल्फ अगर उसमें ज्यादा मिले, वो इंटरनेशनल लॉज ऑफ सी है, उसके मुताबिक वो ज्यादा भी जा सकते हैं, 300, 400, 500 तक जा सकते हैं किलोमीटर तक, बल्कि उससे ज्यादा जहां तक वो रीफ्स और शेल्स हों। तो उसका एक कॉम्प्लिकेटेड एक निज़ाम है, लॉज ऑफ सीज का इंटरनेशनल कानून है वो यूनाइटेड नेशंस का। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उर्दोगान ने नजर रखी हुई है बहुत सारे मामला में। लीबिया पे अगर उसका तसल्लुत होगा तो मेडिटेरेनियन सी में एथेन यानी यूनान के जो जजीरों पे तसल्लुत है, या वो इलाके जहां से वो ऑयल और गैस एक्सप्लोर कर सकता है उसको वो कर सकेगा। और दूसरा इसमें इस एंगल ये है कि तुर्की राइट विंग को सपोर्ट करता है, उस मकतबा इफेक्ट को सपोर्ट करता है, अख्वान मुस्लिमीन जो है मुस्लिम ब्रदर्स इस वक्त वो है जो नेशनल गवर्नमेंट वहां बनी हुई है लीबिया में, जो यूएन रिकग्नाइज्ड है, तो टर्की उनको सपोर्ट कर रहा है। इजिप्ट उनके खिलाफ है, और इजिप्ट जाहिर है यूनान के साथ या वेस्ट के साथ इस वक्त उनके अलाइज में से है, जैसे सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, बाकी तमाम लोग, और इसराइल हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली इनके इंटरेस्ट मुख्तलिफ ब्लॉक्स के मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। इसको ज्यादा मैं शकील नहीं बनाना चाहता हूँ, इसको ज्यादा सहल बना के बताना ये चाहता हूँ कि मेडिटेरेनियन को में तसल्लुत का इस वक्त मकसद यही है कि एक तो ये है कि तकरीबन 12 बिलियन डॉलर की जो आमदन होती है इजिप्ट को वो होती है रेड सी और नहर सुएज से, और अगर उस पे टर्की जैसे ममालिक अगर आके काबिज हो जाएं या चाइना, तो वो उन रसदगाहों को और उस को इफेक्ट कर सकते हैं दुनिया के बाकी मामला भी। लेकिन अभी इजिप्ट का उसमें टर्की में चाहे वो हमास हो या अख्वानुल मुस्लिमीन हो, उसकी लीडरशिप वहां पे मौजूद है, उनको उन्होंने प्रोटेक्शन भी दी हुई है, सियासी पनाह भी दी हुई है और नेशनलिटी भी दी हुई है, और टर्की अपनी इन्फ्लुएंस को लीबिया में बढ़ाना चाहते हैं, और लीबिया का एक बहुत वसी बॉर्डर इजिप्ट के साथ है, तो इजिप्ट को ये खतरा है कि अख्वान वहां पे बैठ के अपनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि इजिप्ट ने तो सबको कत्ल कर दिया। अभी आखिरी जो वो थे अख्वान के एक्टिंग हेड मुस्लिम ब्रदरहुड के, पिछले हफ्ते मुर्सी के बाद उनको भी कत्ल कर दिया गया। तो इजिप्शियन गवर्नमेंट तो इस बारे में बिल्कुल स्ट्रेट है कि वो तो लाकानूनी तौर पे किसी कानून के पास के बजाय जो सीसी गवर्नमेंट है वो इसराइल और अमरीका के मफाद के लिए हर किसी को कत्ल करने को तैयार है मिस्र में। तो क्या उनको इससे खतरा नहीं है कि वो आके वहां बैठ जाएंगे? बिल्कुल यही है, और अख्वान मुस्लिमीन जो है मुस्लिम ब्रदरहुड यकीनन उससे इजिप्ट को खतरा है, और ये कोई इजिप्शियन गवर्नमेंट को खतरा है, इजिप्ट के लोग तो उसके बहुत सारे साथ हैं, इजिप्ट गवर्नमेंट को ऑफकोर्स, तो इजिप्ट गवर्नमेंट को खतरा है उससे, और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। 1927 से लेके अब तक मुस्लिम ब्रदरहुड को बहुत दफा उन पर कदगन लगाई गई, कत्ल किया गया उनकी लीडरशिप को। तो वो कहते हैं ना कि अफकार को पाबंद सलासल जो करोगे तस्वीर के चिलमन से जया आती रहेगी। मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत खाइफ है पूरा गल्फ कंट्रीज, बहुत ज्यादा खाइफ है, क्योंकि वहाँ की कसीर आबादी, मैं खुद भी रहा हूँ यूएई में, खुद भी मैंने वहाँ यूएई में जब मैं सफीर था तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा खाइफ उससे, क्योंकि उनके अपने शाही खानदान के कुछ लोग भी मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहे थे, जिनको के बाद में गिरफ्तार भी किया गया और उनपे उनको उस लिहाज से प्रोसिक्यूट किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक तंजीम है जो कि सराहत कर चुकी है तमाम मुस्लिम ममालिक में और खास तौर पे गल्फ ममालिक में। तो उसको अगर देखा जाए तो उससे न सिर्फ इजिप्ट खायफ है बल्कि बाकी भी जो रूलर्स हैं गल्फ कंट्री के खायफ हैं, और टर्की उनको सपोर्ट करता है, और टर्की जाहिर है 2023 के बाद चाहेगा कि अपनी पुरानी कोई भी साख को बरकरार रखे, और अख्वानुल मुस्लिमीन उस वक्त उनके लिए काफी कारामद साबित होंगे, एक नजरिए के लिहाज से भी और एक जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक गेन के लिहाज से भी। जी जमील अहमद खान साहब, तो शायद हमारे व्यूअर्स को जो गुत्थी नई शुरू हुई है इजिप्ट और यूनान एक तरफ और टर्की दूसरी तरफ और लीबिया में होने वाली
जो सूरत हाल है उसके मुताबिक उसमें उनको आगाही हुई हो, और इसमें आगे और बार हम इसके साथ के पाकिस्तान का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल एक और बार फिर नजर आएगा कि किसी ना किसी को पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ेगी और पाकिस्तान इस जियोपॉलिटिक्स में एक और बार फिर सामने लाया जाएगा। लेकिन उस एंगल को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये प्रोग्राम बुध को रात 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक और सुबह 8 बजे कैलिफोर्निया टाइम के मुताबिक अपलोड हो चुका होगा। आप नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आरा से और नए टॉपिक से जो आप चाहते हैं वो अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें, अपने कमेंट्स में हमें आगाह करते हैं। जमील अहमद खान साहब, आपके वक्त और आपकी तजुर्बे का हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। My pleasure.